إن الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وعلى آله وأصحابه ومن والاه وبعد معزز سامعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته बात यहाँ पर मैं दो बातें करना चाहूंगा। तालीम के ताल्लुक से जो बात हो रही थी और दूसरी बात मैं फिर इस ताल्लुक से करना चाहूंगा कि जिस मकसद से आप और हम यहाँ पे आज जमा हुए हैं। पहली बात जो अल्लाह तबारक व तआला के कलाम के ताल्लुक से जो अब तक हम सुनते आ रहे हैं, मुकर्ररीन ने जो कहा है और नैम फाउंडेशन के जो जस्तजू है और उनकी जो कोशिशें हैं जिनकी बदौलत जनाब मोहतरम महफूज साहब ने मुझे इत्तला दी कि 25,000 तलबा जुज आम्मा के हाफिज हो चुके हैं, उन्हें मैं सबसे पहले तो मुबारकबाद देना चाहता हूँ। और उस मुबारकबाद के साथ साथ मैं एक बात ये अर्ज करना चाहता हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला ने जो अपना कलाम नाजिल फरमाया उस कलाम के नुजूल के मकसद की तरफ तवज्जो रहे और मकसद से तवज्जो ना हटे। और अल्लाह तबारक व तआला के कलाम के नुजूल का मकसद ना तो उसका पढ़ना है, ना तो उसका हिफ्ज करना है, ना तो उसकी तिलावत है, बल्कि इन सब के साथ में उसका समझना और उस पर अमल करना है। अगर कोई इससे गलत मतलब अगर निकाल ले कि हम कह रहे कि कुरान की तिलावत नहीं करनी चाहिए या हिफ्ज नहीं करना चाहिए तो फिर वो उस शख्स के दिमाग का फुतूर है। कलाम पाक की तिलावत, कलाम पाक का हिफ्ज, ये सारे इबादत हैं, मगर मकसद नुज़ूल कलाम पाक नहीं है। मकसद नुज़ूल कलाम पाक तो उस कलाम पाक को समझना और उस पर अमल करना है। इस चीज को हम साथ में लेके और हिफाजत के साथ इसको हम करेंगे तो इसीलिए मैं हमेशा कहता हूं कि जो हाफिज कुरान है वो कुरान का हाफिज नहीं है, कुरान उसका हाफिज है। हाफिज कुरान जो है वो कुरान का हाफिज नहीं है, कुरान के हाफिज तो अल्लाह जल्ला वाला है। इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफिज़ून, अल्लाह ने फरमाया कि हमारा कलाम हमने नाजिल किया और उसकी इबादत हम करेंगे। जो हाफिज कुरान है उसका हाफिज कुरान है। तो कलाम पाक जो अल्लाह का आया इसके ताल्लुक से आप सोच के देखें कि अल्लाह तबारक व तआला ने अपने कलाम को किन अल्फाज से उसकी इब्तिदा फरमाई, बाद अल्लाह तबारक व तआला ने अपने नाम के क्या अल्लाह ने फरमाया, अल्लाह तबारक व तआला ने अपने कलाम की इब्तिदा फरमाई उस सूरत से जिसके पढ़ने के बगैर नमाज पूरी नहीं होती, किसी की नमाज में अगर वो सूरत एक छुट जावे तो उसकी नमाज पूरी नहीं होती। सूरतुल फातिहा जो कुरान का बाब है जहां से दरवाजा खुलता है कलाम मजीद का, और उस सूरत की शुरू में अल्लाह तबारक व तआला ने किस चीज की तरफ हमारी तवज्जो की, अल्लाह ने फरमाया औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाह ने फरमाया सारी अपने नाम के इसमें अस्मा व तआला के बाद में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, उसके बाद अल्लाह ने फरमाया सारी तारीफ और सारा शुक्र सिर्फ उस जात के लिए है जो रब्बुल आलमीन है। तो अपने आप को और आप लोगों को मैं इस बात की तलकीन और इस बात की याद दहानी करना चाहता हूँ कि सबसे पहला काम हम ये करें कि जो अल्लाह ने आपको और हमको यहाँ पे जमा किया इसके लिए हम शुक्र अदा करें, शुक्र अदा करें। आप कहेंगे भाई शुक्र किस बात का अदा करें, हम तो आए, ये कोई नहीं कहेगा कि अल्लाह इसका शुक्र करे, हम तो ये कहेंगे कोई खुद आए, हम शुक्र किस बात का अदा करें, हम आए।
मैं आपसे कहता हूं कि शुक्र इस बात का आप अदा करें कि अल्लाह तबारक तआला ने आपको यहां पे एक मकसद के तहत बुलाया है। बेमकसद आप नहीं आए यहां पे, और ये भी आप मत समझे कि आप खुद आए, आप नहीं आए, आप लाए गए। और मैं इनसे मुखातिब हूँ, मैं ये कोई सामने के और स्टेज पे बैठे जो लोग हैं इनके इनसे मुखातिब सिर्फ नहीं हूँ, इनसे भी मुखातिब हूँ, मगर मैं मुखातिब यहाँ पे हर उस शख्स से हूँ जो कि यहाँ पे है, चाहे वो किसी भी मकसद से आया होगा, कोई वीडियो लेने के लिए आया, कोई नामा निगार है और कोई रिपोर्टर है और कोई स्टूडेंट है और कोई टीचर है, सबसे मैं मुखातिब हूँ। और सबसे मैं ये कह रहा हूँ कि अल्लाह जल्ला वाला ने आपको एक मकसद के तहत यहाँ पर बुलाया है। आप सोचिए कि मकसद क्या है, क्योंकि आप ये भी समझ लीजिए कि अल्लाह तबारक व तआला जो बुलाते हैं वो देने के लिए बुलाते हैं, अल्लाह लेने के लिए नहीं बुलाते। अल्लाह तबारक व तआला गनी उन हमीद है। अल्लाह ने फरमाया या अय्युहन नास अंतुमुल फुकराउ इलल्लाह इन्नहु हुवल गनीउल हमीद। अल्लाह ने फरमाया इंसानों तुम तो सारे के सारे फकीर हो, भिखारी हो, तुम अल्लाह को क्या दोगे। इन्नहु हुवल गनीउल हमीद, गनीउल हमीद तो अल्लाह है। तो अल्लाह तबारक व तआला ने हमको यहां पर बुलाया तो देने के लिए बुलाया, अल्लाह लेने के लिए किसी को नहीं बुलाते। गौर से इस बात को सोचिए, अल्लाह देने को बुलाते लेने को नहीं बुलाते, तो सोचिए कि अल्लाह क्या देंगे आपको, क्यों आप यहां बुलाए गए, क्यों आप यहां पे आए। हमारी कौम का एक मिजाज बना हुआ है और ये मिजाज बिल्कुल उस चीज के बरक्स और खिलाफ है जिसके लिए इस कौम को अल्लाह ने दुनिया में मबूस फरमाया भेजा। हमारी कौम का यह मिजाज बना हुआ है कि हम ये समझते हैं कि हमने एक इसका एक नाम भी रखा, हमने कहा साहेब सरवत। हम ये समझते हैं कि काम देने का काम उनका है जिनके पास माल है, और माल को भी हमने लगाया उस हिसाब से कि जो साहेब निसाब हो, तो निसाब से ज्यादा अगर माल है तो वो देगा, और जो दूसरे हैं उनका काम है लेना। मैं आपसे अदबन ये अर्ज करना चाहता हूं कि ना तो ये कुरान का मंशा है, ना तो ये अल्लाह तबारक व तआला के दीन का मंशा है, ना ये ज़कात का असल फहम है। ज़कात तो एक इबादत का नाम है, अपने माल को साफ करने के लिए जो इबादत है उसका नाम ज़कात है। ज़कात से माल साफ होता है, ज़कात से माल साफ होता है, मगर हमने ये समझ रखा है कि बस ज़कात देने का काम है, जिनके पास माल है वो ज़कात देंगे, दूसरे लेंगे। और इसी वजह से काम आगे बढ़ते नहीं। मैं आपसे ये नजरिया पेश करना चाहता हूं कि अल्लाह तबारक व तआला ने इस उम्मत मुस्लिमा को एक मकसद के लिए भेजा है, और वो मकसद ये है कि वो अल्लाह तबारक व तआला के खजानों से ले और दुनिया को दे। ये कौम देने के लिए भेजी गई, लेने के लिए नहीं भेजी गई, और ये चीज इस कौम के हर शख्स पर है, चाहे उसके पास कितना ही माल हो, ज्यादा हो या कम। अल्लाह तबारक व तआला ने हमको अपने खजानों से लेकर दुनिया को देने के लिए भेजा, और दुनिया से मुराद मुसलमान नहीं है, दुनिया से मुराद दुनिया का हर वो शख्स है, हर वो जिंदा चीज है जो कि दुनिया में है मौजूद। अल्लाह तबारक व तआला ने मुसलमानों को अल्लाह अपने खजानों से लेकर सारी दुनिया के बरीनों इंसान की मदद करने और इमदाद करने के लिए अल्लाह ने भेजा। मैं अपने आप को याद दिलाना चाहता हूँ और आपको भी याद दिलाना चाहता हूँ कि इसमें हम सोचे कि हम क्या कर रहे हैं, और हम तो मरा जैसे मैंने कहा हर शख्स को दो, यहाँ पे अमाउंट की बात नहीं हो रही। मैं नहीं कह रहा हूँ कौन है जो 10,000 रुपया दिया और कौन है 10 लाख दिया, मैं कह रहा हूँ कौन है जो 10 रुपया दिया। आज पता नहीं कितने लोग हैं, शायद 1,000 लोग होंगे,
अगर हजार लोगों में आपने सालों में अगर इस चीज की नियत बांधी कि आज यहाँ से जाने से पहले इस नाम फाउंडेशन को आप 10 रुपए देंगे, 10 रुपए, मैं 100 रुपए नहीं मांग रहा हूँ, 10 रुपए जाने से पहले आप 10 रुपए नाम फाउंडेशन को दे के जाएंगे, जिससे इन बच्चों का और सारे लोगों का कुछ फायदा हो, तो 10,000 रुपए तो बन गए। और मैं नहीं समझता कि यहाँ पे कोई भी है जो कि 10 रुपए भी नहीं दे सकता, बेचारा गरीब, ऐसा तो कोई नहीं है कोई। मैं इसलिए कह रहा हूं कि ये बहुत जरूरी है कि मुस्लिम उम्मत को इस चीज का एहसास दिलाया जाए कि बैठ के हाथ फैलाना हमारा काम नहीं है, अपने आप की मदद करना हमारा काम है। आप सोच के देखिए, मैं कोई सेंसस के फिगर्स पढ़ रहा था कुछ साल पहले, तो उस फिगर में था अल्लाह आलम एग्जैक्टली हाउ करेक्ट दोस फिगर्स आर, बट द फिगर्स आई रेड कि वो ये थे कि आंध्र प्रदेश में 60 लाख मुसलमान है, चाहे एग्जैक्टली क्या नंबर है जो भी है आप उसका हिसाब कर लें, मगर मेरी बात आप समझ लें, 60 लाख मुसलमान है। तो हमने कहा कि 60 लाख में से अगर हम कहें कि एक तिहाई मर्द, एक तिहाई औरतें और एक तिहाई बच्चे, ऐसा एग्जैक्ट तो नहीं होता मगर मैं कह रहा हूँ, उसके आगे मुझे मैथ्स नहीं आती इसलिए मैं थोड़ा, तो एक तिहाई मर्द अगर हम लगाए तो 20 लाख मुसलमान है। अब हम कह रहे हैं कि 20 लाख मुसलमान में अल्हम्दुलिल्लाह जो मर्द है वो या तो चाय पीते हैं या वो पान खाते हैं या फिर दूसरी चीजें वो नोश फरमाते हैं जिनका हम जिक्र नहीं करना चाहेंगे, मगर किसके पैसे लगते हैं। तो अब आप बताइए कि एक प्याली चाय के कितने पैसे लगते हैं, 5 रुपए में आती है नहीं आती, आती है कि नहीं आती, 8 रुपए में, चाहे उसकी हमको मैथ नहीं आती तो 5 को रखेंगे हिसाब, 5 रुपए की चाय जो के मुसलमान मर्द पी रहा है, मैंने कह रहा कि जेब से और 5 रुपए इजाफा डालो नहीं, और दिन में तो मैंने समझता हूं कोई शख्स ऐसा है कि जो कि एक ही प्याली पीता है, तो ज्यादा पीता होगा। अगर हर मुसलमान मर्द ये तय करे कि एक प्याली चाय आज उसकी उसका खर्च मैं किसी ऐसे काम में लगाऊंगा जिससे इस उम्मत का और जिससे बनी नौ इंसान का फायदा होगा, तो कितने पैसे होगा भाई, 20 लाख × 5 हाउ मच, 1 करोड़ रुपए कितने दिन में, 1 दिन में 1 करोड़ रुपया पर डे, 1 करोड़ पर डे इज ऑलरेडी बीइंग स्पेंट। आई वांट यू टू थिंक अबाउट दिस, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एक्स्ट्रा मनी, ये पैसा खर्च हो रहा है। अब जो आप एक प्याली चाय जो पी रहे हैं या पान खा रहे हैं, पान कितने का था पता नहीं, खाता नहीं, 5 रुपए से बढ़ के आता होगा नहीं, जो पान में और चाय में और दूसरी चीजों में जो खर्च हो रहा है 1 करोड़ पर डे खर्च हो रहा है, अभी एक एक्स्ट्रा नहीं है, हो रहा है। मैं कह रहा हूं अगर ये लोग सिर्फ मर्द, हम अभी औरतों की बात भी नहीं कर रहे, बच्चों की बात नहीं कर रहे, अगर ये मर्द सोच लें कि हम एक प्याली चाय कम पिएंगे, एक पान कम खाएंगे और ये पैसा हम किसी इस काम में लगाएंगे, हम ये नहीं कहते कि नाम फाउंडेशन को मत दीजिए, किसी और को दीजिए, मगर किसी ऐसे काम में लगाइए कि जिससे फायदा हो सारी दुनिया का, तो 1 करोड़ पर डे 30 करोड़ पर महीना, साल के 365 करोड़ रुपया इस वक्त मौजूद है, सोच के देखिए करना के क्या है, 5 रुपए देना है, 1 प्याली चाय कम पीना है, करेंगे भाई, कुछ सुने बात पहले पड़ी नहीं, करेंगे आप लोग पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। सबसे मेरी बात, मैं एक छोटी सी कहानी पढ़ खत्म करता हूं। एक चिड़िया थी, उसने एक खेत में मकई का खेत था, उस खेत में उस चिड़िया ने घोंसला बनाया और घोंसले में उसने अंडे दिए, उसके बच्चे हुए,
और बच्चे बड़े होने लगे और उनके पारवर आ गए, वो मगर उड़ने के काबिल नहीं थे, तो कोशिश कर रहे थे उड़ने की। और ये रोज चिड़िया जाती थी और अपना जो भी उसका खाना पीना वो लेके आती थी, कीड़े वगैरह बच्चों को खिलाती थी। तो एक दिन जब चिड़िया वापस आई तो बच्चे बड़े परेशान थे। चिड़िया ने बोला क्या हुआ भाई? तो बच्चों ने कहा अम्मा ऐसा हुआ कि ये खेत का जो मालिक है वो आया था अपने बच्चों के साथ, उसके दो तीन लड़के वो लड़कों के साथ आया था और कहा खेत तैयार हो गया, खेत काटना है और कल तुम लोग जाके हमारे गांव में ऐलान करो कि खेत काटना है और आप लोग सब आइए हमारी मदद कीजिए। तो कल क्या हुआ? कल तो खेत कट जाएगा, हम तो उड़ नहीं सकते, हम तो खत्म हो जाएंगे, मर जाएंगे। तो अम्मा ने कहा कोई फिक्र नहीं, तुम आराम से रहो, खेत कटेगा वटेगा नहीं। अब दूसरा दिन हुआ, दो तीन दिन गए, उसके बाद में फिर जब वापस आए घर तो बच्चे फिर परेशान, कहा कि अम्मा आज तो वो खेत का मालिक आया था, वो कहा कि भाई गांव में तो सब हमने ऐलान किया मगर कोई मदद करने के लिए तैयार नहीं है, तो जाके अपने खानदान में तुम्हारे चाचाओं से और मामुओं से वगैरह से कहो कि खानदान वाले आ जाओ और इस खेत को काटने मदद की जरूरत है। तो अब तो आ जाएंगे, तो कल तो खेत कट जाएगा, हम तो तैयार नहीं है उड़ने के लिए। तो उनकी माँ ने कहा कोई फिक्र नहीं, तो अपनी प्रैक्टिस करते रहो, खेत कटेगा वटेगा नहीं। अब फिर तीन चार दिन हो गए और परवर वो मारने लगे बच्चे, तो फिर वो भाई तो बड़े साहब कहा कि आज भी वो आया था और वो कह रहा था बच्चों को, तो भाई देखो कोई आने वाला नहीं है, कल सुबह में आप और हम खेत काटना शुरू करेंगे। तो माँ ने कहा अब आया है टाइम ढूंढने का यहाँ। मैं आपको ये कहानी इसलिए कह रहा हूँ कि दुनिया को इधर उधर मत देखें, अपनी मदद खुद करें, और अपनी मदद खुद करने के लिए ₹5 की जरूरत और कोई जरूरत नहीं है। इससे अपना अपना जो वकार है वो बाकी रहेगा। याद रखे अल्लाह तबारक व तआला ने आपको हमको मांगने के लिए नहीं भेजा, देने के लिए भेजा है, और देने के लिए अल्लाह जल्ला वाला से लेने के लेना भी सीखने की जरूरत है। और वो लेने का तरीका क्या अल्लाह ने बताया अपने कलाम के अंदर। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, या जब हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम आता है तो दुरूद शरीफ भेजना वाजिब है। दुरूद शरीफ भेजें, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहें, अल्लाह ने फरमाया क्या है मेरे नबी खड़े हो जाइए, खड़े हो जाइए, पूरी रात खड़े रहिए, सिवाय एक छोटी सी मिकदार में थोड़ा आराम कर ले तो कर ले, वरना पूरी रात खड़े हो जाइए। मिसबा हुआ मिन कुछ मिन कलीला, आधी और ज्यादा और थोड़ी का ज्यादा और थोड़ी कम, और क्या करिए, वरतिल कुरान तरतीला, सबक सुनाइए, क्या याद किया है, क्या समझा है, वरतिल कुरान तरतीला। अल्लाह तबारक व तआला कौन है? अर रहमान अल्लामुल कुरान। अल्लाह ने फरमाया अल्लाह कौन है? मुअल्लिमुल कुरान। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शागिर्द है और आपके हिफ्ज के उस्ताद कौन है? अल्लाह जल्ला जलालहू। अल्लाह कहते हैं सुनाइए तरतीब, सुनाइए कलाम को, क्या सीखा आपने, क्यों क्यों सुनाना। इन्ना सनुल्की अलैका कौलन थकीला, आपसे तो बहुत बड़ा काम लेना है, बहुत बड़ा बोझ आपके ऊपर डालना है, बहुत बड़ा काम आपसे लेना है। तो चार्ज करिए अपनी बैटरी को, कलाम सुनाइए, ताल्लुक पैदा करिए अपने रब से। और क्या कहा अल्लाह ने, इन्ना नाशियत लैली अशद वतअ मुकीला, ये रात का उठना हम जानते हैं कि मुश्किल है, अशद जानते हैं कि मुश्किल है, मगर अल्लाह फरमाते हैं कि ये चीज अपने आप को डिसिप्लिन में लाने के लिए और अपने अल्लाह के कलाम को समझने के लिए सबसे बेहतर तरीका है। मैं आपको अपने आप को और आपको तलकीन देना चाहता हूं, याद देना चाहता हूं, ये दोनों काम नमाज जो है तहज्जुद की, इसका जो मुकाम है अल्लाह ने देने के लिए भेजा। मेरे भाइयों और बहनों लेना सीखो, लेना सीखो, कब तक हाथ फैलाने बैठे रहोगे, लेना सीखो और दुनिया को दो। आज मुसलमान को दुनिया इसलिए नफरत करती है,
हम तो तारीफ बयान करना जानते हैं कि एक जमाना हमारा ऐसा था कि सब हमसे मोहब्बत करते थे, आज ये जमाना है कि हमसे सब नफरत करते हैं। सोचो की वजह क्या है, सोचो की वजह क्या है? वजह बड़ी साफ सीधी और बड़ी सिंपल वजह है, वजह ये है कि दुनिया वाले जो देते हैं उनको चाहते हैं और जो लेते हैं उनसे नफरत करते हैं या उनको हकारत की नजर से देखते हैं। ये दुनिया का दस्तूर है। आप घर जाके अपने बच्चों के साथ ट्राई करके देख लीजिए उसको, उनको आप चॉकलेट दीजिए, बच्चा आपको बहुत मोहब्बत करेगा, बहुत प्यार करेगा, सलाम करेगा, लपटेगा, और वही चॉकलेट वापस लेने की कोशिश करेंगे, बच्चा आपको पसंद नहीं करेगा। तो जिस कौम को अल्लाह तबारक व तआला ने देने पर बर्पा किया वो कौम लेने वाली बन गई। तो दुनिया नफरत नहीं तो क्या करेगी? अल्लाह ने तो देने के लिए भेजा भाई, और देने के लिए लेने का तरीका सीखना जरूरी है, अल्लाह से लौ लगाना जरूरी है, अल्लाह से ताल्लुक पैदा करना जरूरी है, अल्लाह से अल्लाह को पहचानना जरूरी है कि कौन है तुम्हारा और मेरा रब। अल्लाह ने कलाम को शुरू किया इस बात की तलकीन करके कि शुक्र करो उस मौला का, शुक्र करो उस मौला का, कौन है वो मौला? अर्रहमान अल्लमल कुरान खलकल इंसान अल्लमहुल बयान अश्शम्स वल कमर बिहुस्बान वन्नजम वश्शजर यस्जुदान वस्समा रफअहा ववदअल मीज़ान अल्ला तत्गौ फिल मीज़ान वअक़ीमुल वज़्ना बिल क़िस्ति वला तुख़सिरुल मीज़ान वल अर्ध वदअहा लिल अनाम फीहा फ़ाकिहतुन वन्नख़ल ज़ातुल अक़माम والحب ذو الأسف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن اس سورت کی تلاوت آپ نے فرمائی صحابہ کے سامنے اور پوری سورت کی تلاوت فرمائی اور جب پوری تلاوت فرما دی اور سوچو منظر کیا ہے तारीख कुरान कौन है वो जिसने उस कुरान को हासिल किया जिस पर कुरान नाजिल हुआ तिलावतुल कुरान बिसौतिल कारी मा हुआ कारी मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह अल कुरैशी अल मक्की वल मदनी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कैसे सुनने वाले और कैसे सुनाने वाले। आपने जब पूरी फिरत की तकमील फरमाई सूरे की तो आपने सहाबा रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन से पूछा कि कुछ बोलोगे नहीं, कहा कि कुछ बोलोगे नहीं? तो सहाबा ने क्या या रसूलल्लाह हम क्या बोले, हम क्या बोले? तो आपने फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब इस सूरत की तिलावत मैंने जिन्नों के सामने की, माशरल जिन, जब जिनों के सामने मैंने सूरत की तिलावत की, तो जब भी मैंने इस आयत की तिलावत की कभी अय्य आलाई रब्बिकुमा तुकज्जिबा, तो कहा कि जिनों ने जवाब दिया उस आयत का ला बिशयइन मिन नियमति रब्बिना नुकज्जिबु, ऐ अल्लाह तेरी कोई नियमत का हम इनकार नहीं करते, ला बिशयइन मिन नियमति रब्बिना नुकज्जिबु, ऐ अल्लाह हम तेरी कोई नियमत की का इनकार नहीं करते। मेरे भाइयों दोस्तों बुजुर्गों बहनों बेटियों, मैं भी बात को इस बात पर खत्म करना चाहता हूँ जिस पे मैंने शुरू किया कि वजूद कलाम अल्लाह जल्ला वाला मकसद नुज़ूल कलाम पाक उसकी तिलावत उसकी क़िराअत उसकी हिफाजत उसका लिखना उसका प्रिंटिंग नहीं है, उसका समझना और उस पर अमल करना है। तो कुरान मजीद के समझने की कोशिश करें, जब आप समझोगे नहीं तो कलाम पाक का की तिलावत भी आपके लिए कोई गाना है कि अच्छी लहन में किसी ने पढ़ दिया कारी ने, तो राग आशावरी थी या राग दरबारी थी इसमें आप खुश हो गए,
कि साहब वो तिलावत तो हो गई, बड़े अच्छे बड़ी अच्छी किरात आपने पढ़ी, आप पूछो साहब आपके पल्ले कुछ बात पड़ी थी कि नहीं, या आपको खाली ट्यून सुन के आप चले गए कि चाहे वो कुरान की तिलावत कर रहा था चाहे कोई गाना गा रहा था, फर्क क्या था? फर्क होना था कि नहीं होना था? ये गिरा ये कलाम अल्लाह तबारक व तआला का, इसके अंदर ये ताकत और कुव्वत है कि ये जिस जगह नाजिल होती है वहां तब्दीली पैदा करती है, तब्दीली पैदा करती है। और इस दलील के साथ मेरी बात को मैं खत्म करता हूं। और ये दलील क्या है? अल्लाह जल्ला वाला ने फरमाया अपनी अपना तारुफ कराने से पहले अल्लाह तबारक व तआला ने उस तारुफ का जो उसका जो असर होना चाहिए उस असर की तरफ अल्लाह तबारक व तआला ने इशारा फरमाया, और उसके बाद में अल्लाह तबारक व तआला ने तारुफ फरमाया। अल्लाह ने फरमाया लौ अन्ना हाज़ल कुरान अला जबलिल लरायतहु खाशियन मुतसद्दियन मिन खशियतिल्लाह व तिलकल अम्थालु नज़रिमुहा लिन्नास लअल्लहुम यतफक्करून। पहाड़ पर नाजिल कर दिया जावे तो वो पहाड़ रेजा रेजा हो जाए, क्या माने इसके कि आपने मुसब को ले जाकर पत्थर रख दिया तो पत्थर टूट जाएगा? हम तो सिर्फ मजा लेना जानते हैं, समझना नहीं जानते। क्या माने इसके? नाजिल होने के माने ये है कि उसका असर हो, हमारी जो चट्टाने दिलों के अंदर इसके ऊपर कोई असर नहीं होता, पहाड़ तो रेजा रेजा हो जाता है मगर मुसलमान के दिल में वैसा नहीं होता, सोच के देखे। और उसके बाद अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी जलील व कदर जात मुबारका का अल्लाह ने तआरुफ फरमाया। अल्लाह ने फरमाया वल्लाहु अल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हू आलिमुल ग़ैब वश्शहादा वर रहमानुर रहीम वल्लाहु अल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हू अल मलिकुल क़ुद्दूस बात पे अपनी तकरीर को खत्म करता हूं और आपको याद दिलाना चाहता हूं कि हमको अल्लाह ने देने के लिए भेजा तो यहां से बगैर दिए के कोई उठे नहीं और दे के जाए इंशाल्लाह। जज़ाकअल्लाहु खैर। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।